सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन कि आप इन दिनों या जो भी आप गाने गाती हैं, थैंक यू, वो हर एक गाने बहुत ही हिट होते हैं और हर किसी के जुबा पर होते हैं. अभी चाहे वो हम ब्रेकअप सॉन्ग देखें अदिल मुश्किल का, या फिर हाईवे, या फिर कोई भी गाना देखें, हम हर कोई गाना आपकी लोगों की जुबा पर होता है. लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि 89 बर्थडे तो हर किसी के लिए स्पेशल होती है. पर अब जब मैं लाइक इंडिया जब से आई हूँ, आई हैवन्ट बीन एबल टू सेलिब्रेट विद माई फैमिली, बट अदरवाइज इट्स स्पेशल. फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करती हूँ हर साल, सो माई बर्थडे इज ऑलवेज स्पेशल लाइक एनीवन एल्सेस, बट इट्स जस्ट वन मोर डे इन द ईयर. क्योंकि आपके डैडी म्यूजिशियन भी रहे हैं, तो हम ऐसा माने कि वहाँ से आपने सिंगिंग बनने का, आप सिंगर बनने का आपको शौक आया, या फिर वो एज क्या थी जब आपने डिसाइड किया कि आपको सिंगर बनना है और इस तरह से? मैं तो बचपन से जानती थी कि मुझे सिंगर बनना है, पर उस समय फोकस स्टडीज़ पे रही थी. फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं जाके इंडिया आके सिंगिंग की ड्रीम I've been following it since I've come here. But when I was growing up, I just thought it was a hobby. आपके favorite singer हैं जो, अगर singers में, अगर Bollywood में अगर बात करी जाए, so which one is your favorite? It's too difficult. There's so many. But I think all time must be Asha ji. Growing up, Sonu ji. And I used to really like Shreya Ghoshal, Sunidhi Chauhan. This is obviously we're talking about Bollywood singers only. And currently, my favorite, like everyone else, is Arijit. और तो inspiration के अगर बात की जाए तो किसको inspiration मानते हैं आप? Inspiration, there's no. I think I draw inspiration from everybody, to be honest. Currently, like I said, Arijit. The reason why he's one of my favorites is because he's so versatile, and my goal is to become the most versatile female singer. So that's what I put most stress on. आपका पहला हिंदी गाना जब आपको break में आपको गुनगुनाने को मिला और पहला हिंदी सॉन्ग वॉज चेन्नई एक्सप्रेस, हाँ, विशाल शेखर के साथ. आई वॉज टोटली नर्वस, बट आई थिंक आई वॉज जस्ट ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी. सो वन आई वॉज रिकॉर्डिंग, आई जस्ट गेव इट माई ऑल, एंड आई वॉज लकी के मेरा वो सेलेक्ट हो गया, मतलब मेरी आवाज़ उस गाने के लिए. सो तो शाहरुख खान या फिर उनकी पूरी टीम की तरफ से कुछ ऐसे, जब ये गाना हिट हुआ, हमने देखा वो टाइम पे ये गाना हिट हुआ था, हर किसी को बहुत ही पसंद. शाहरुख खान या उनकी टीम की तरफ से कुछ एसएमएस या कुछ मैसेज या कुछ कमेंट? आई विश कि शाहरुख खान से एसएमएस आया होगा, बट नो. I met him at the launch though, and then he said a good job, but I think he was just being nice, I don't know. But everybody really liked the song, thank you. And they use that get on the train baby slogan on all of the promos for the film. So that's how my voice I think reached people initially, was through that song. Can you sing a song, two lines, and then the okay. song Chennai Express? Sure, because it's your first breakup Hindi song, so sure, I'll sing just the chorus. टिकट खरीद के बैठा सीट पे, निकल ना जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस. टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल ना जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस. चेन्नई आई 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 चेन्नई एक्सप्रेस. कितना लकी मानते हैं आप खुद को कि मतलब सबको मौका नहीं मिलता इतना, मतलब कि पहली बार में अगर आपको यह ब्रेक मिल रहा है, आपको बहुत बड़ी फिल्म में मिल रहा है, शाहरुख खान है जिसमें दीपिका हैं और भी काफी बड़े सितारे हैं, सो कितना लकी मानते हैं आप खुद को? मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि आप जैसे आपने कहा इट्स नॉट कॉमन कि आपका पहला गाना एक इतना बड़ा फिल्म में हो. हाँ, एंड दैट फिल्म डिड रियली वेल एट द बॉक्स ऑफिस, लॉट्स ऑफ पीपल सॉ द मूवी, आई लाइक द मूवी, एंड इट हैड अ स्टार कास्ट, यू नो, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण. सो दैट पार्ट इज़ डेफिनेटली लक, द फैक्ट दैट व्हेन आई मेट विशाल जी, उस समय जब मैं उनके स्टूडियो जाके उनसे मिली तो उस समय वो गाना चल रहा था, मतलब टाइटल ट्रैक उन पर, उस पर काम कर चल रहा था.
तो लकीली दे जस्ट थॉट ओके यू आर हियर व्हाई डोंट यू सिंग जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ स्क्रैच और फिर देखते हैं क्या होता है एंड लकीली इट वर्क्ड आउट सो आई फील लकी फॉर श्योर. ऐसे टाइम पे क्या फीलिंग होती है क्योंकि हम कई बार कौन से गाने की बात हो कोई भी गाना ओके ओके कि एक एक प्रोड्यूसर या एक डायरेक्टर कई सारे लोग सिंगर से वो गाना गवाते हैं लेकिन वो गाना जब वो जब बाहर आता है तो बाहर आता है हाँ. तब क्या कुछ फीलिंग होती है ऐसा कुछ होता है कि अरे यार ये गाना बहुत ही अच्छा मेरे दिल के करीब है लेकिन मैं कोशिश करूँ कि ये मेरा ही गाना बाहर आए क्योंकि कई सारे सिंगर ने गाया ऐसा हुआ है मेरे साथ I don't get too I don't marry the songs as in मुझे पता है कि ऐसे होता है तो जब मैं गाती हूँ तो ऐसे expectations नहीं रखती मैं मुझे पता है कि हो सकता है कोई और गाए और उसका निकले मतलब so and ऐसा भी हुआ है कि जो गाने मैंने गाए हैं वो कई और ने भी गाए हैं तो और मेरी आवाज़ में आया बाहर तो इट वर्क्स बोथ वेज ना तो आई नो के समटाइम्स यू विन समटाइम्स यू लूज एंड यू कैंट गेट अपसेट बिकॉज इट हैपन एंड यू हैव योर ओन सॉन्ग्स ऑल्सो सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल आई एम हैप्पी दैट वट एवर सॉन्ग्स कम इन माई वॉइस आर कमिंग इन माई वॉइस तो और फिर वो गाने को मैं लाइव गाती हूँ शोज में तो इट्स फाइन इवन दो आई एम नॉट सॉन्ग यूज नो सो आई स्टिल सिंग देम एट माई शोज कुछ मतलब दुख होता है वो टाइम पे कि अरे यार ये थोड़ा सा तो होता है हाँ मेरी ही आवाज में कोई और किसी और का गाना जा रहा है ऑन एयर हो रहा है लोगों को पसंद आ रहा है या ऑफ कोर्स बिकॉज़ समटाइम्स व्हेन यू रियली लाइक द सॉन्ग व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग इट देन यू होप के इट कम्स इन योर वॉइस बट इट डजंट हैपन इट्स ओके ओके दुख लास्ट लाइक द वन डे एंड देन द नेक्स्ट डे यू आर फाइन बिकॉज़ यू विल बी सिंगिंग सम अदर सॉन्ग इन अनदर स्टूडियो एंड दैट विल आल्सो बी नाइस सो इट्स फाइन एंड जो और हमने देखा डिशो में जो 100 तरह के ये गाना भी लोगों को बहुत पसंद आया तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस कुछ अगर बताना चाहे आपकी दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस इट्स फन सॉन्ग टू सिंग जैकलिन इट वाज पिक्चराइज्ड ऑन जैकलिन फर्नांडिस एंड आई थिंक दे पिक्चराइज्ड इट रियली वेल करेक्ट एंड दैट वाज माय फर्स्ट कमर्शियल सॉन्ग सो टू स्पीक एंड एवरीवन इज अप्रिशिएटेड दैट सॉन्ग सो या एवरीबॉडी नोस द सॉन्ग जहां पे मैं गाती हूं सब लोग साथ में गाते हैं सो यू नो दैट दे हैव हर्ड इट एंड दे नो इट सो दैट्स अ वेरी नाइस फीलिंग ऑसम फीलिंग एंड अ टू लाइन ओके कल सुबह सोचेंगे जो आज रात किया कल सुबह गिन लेंगे सारी गलतियां तू मेरा अभी हो चल आज ना भी फिर हम मिलेंगे ना कभी 100 तरह के रोग ले लूं इश्क का मर्ज क्या है तू कहे तो जान दे दूं कहने में हर्ज क्या है 100 तरह के रोग ले लूं इश्क का मर्ज क्या है. जुनिता जी जैसा कि हमारी इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि हम बहुत सारा ऐसा ट्रेंड है कई सारे एक्टर जो होते हैं वो सिंगर भी होते हैं सिंगर एक्टर डायरेक्टर भी होते हैं प्रोड्यूसर भी होते हैं मैं अगर आपकी मैं अगर पर्सनली अगर बात करूँ तो क्योंकि आप ब्यूटीफुल भी हैं ब्यूटीफुल गाने भी गाती हैं तो इन फ्यूचर में या आपका कोई ऐसा प्लान है कि इन फ्यूचर में सिंगिंग के अलावा हम आपको एक्टिंग में भी देखेंगे या एक्टिंग में इंटरेस्ट रखती हैं जुनिता जी? नॉट रियली टू बी ऑनेस्ट ओनली इंटरेस्ट आई हैव इज इन म्यूजिक वीडियोस टू सपोर्ट माय सिंगिंग करियर तो ऐसा कोई प्लान नहीं है एक्टिंग में जाने की बट आई गेस हु नोज बट ऑल्सो लाइक देर सो मेनी थिंग्स दैट are involved in acting, right? It's not just how you look, it's there's so many things, so many factors. So I don't know if I would be good, to be honest, as an actress, but maybe one day I'll try it, I don't know. But that's not the plan. The plan is to focus on singing, and whatever acting comes to support my singing career, then I'll take up those projects. Dil pe patthar rakke muh pe makeup kar liya are dil pe patthar rakke muh pe makeup kar liya मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया. चलिए थैंक यू सो मच थैंक यू.